हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव वर्मा, आज आपका स्वागत करता हूँ। हम टेक्निस्टी लर्निंग आज से हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 2 फरवरी 2021 में जो फर्स्ट सीट में एग्जाम हुआ है, और इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर आईएनसी रिलेटेड या फिर नीति आयोग से रिलेटेड, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आपको इस टॉपिक में, मतलब जितने भी जो मेन टॉपिक है जैसे नीति आयोग, इनसे रिलेटेड नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो चलिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन, सोडा वाटर में कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडगे उपनिषद से लिया गया, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाध्याय का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाध्याय का अंत जो है ये अनुच्छेद 18 में है। और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, और इसी तरह अब 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में है। और उसी में से होते हैं एक समानता का अधिकार, समानता का अधिकार होता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, और उसी के अंडर में आता है उपाध्याय का अंत जो कि अनुच्छेद 18 में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस से रिलेटेड बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो कांग्रेस से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपको अच्छे से आप अच्छे से पढ़ लो उसे। तो ये क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये बम्बई में हुआ था, पहले बम्बई था और वर्तमान मुंबई है। और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, उसकी अध्यक्षता व्योमेश्वर चंद्र बनर्जी ने की थी। और ये भी पूछता क्यों हुआ कि 1885 में आईएनसी की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की एओ हूम ने। और आईएनसी की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो आईएनसी की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय थे। आपको पता होना चाहिए आईएनसी से रिलेटेड, काफी एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा का आयस कौन सा है? तो पारा का आयस का सिनेबार, HGS जिसको कहते हैं। और जितनी भी मेटल होती हैं, ये मतलब जितनी मेटल होती हैं ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड अवस्था में पाई जाती है, मतलब ठोस अवस्था में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। लेकिन पारा जो कि मरकरी एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है पारा, और इसका एटॉमिक नंबर 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? जो प्रिंटर की स्पीड होती है वो मापी जाती है PPM, पेजेस पर मिनट, मतलब एक एक मिनट में कितने पेज होते हैं, तो इसमें मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OMR में M का मतलब क्या है? और इसकी फुल फॉर्म देखते हैं पहले, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म है। अब इसमें M का मतलब मार्क है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म बार बार पूछी जा रही है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्फान तूफान किस खाड़ी से शुरू हुआ था? तो ये बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ था, और ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया गया था अम्फान जो ये थाईलैंड ने नाम दिया था। ये पूछ लेते कि अम्फान तूफान जो आया था ये किस देश के द्वारा दिया गया था नाम इसका, तो ये थाईलैंड ने नाम दिया था इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो पंचायती राज ये अनुच्छेद 243 में है। और संविधान के भाग 9 में इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, और संविधान की अनुसूची 11 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, 24 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं पंचायती दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किससे मिला? तो यो हुई सासाकावा को मिला गांधी शांति पुरस्कार 2018 का। और ये कहाँ के थे? ये जापान के थे, यो हुई सासाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2018 में कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2018 में, और इसका हेड क्वार्टर फ्रांस के ज्यूरिक में है। और जो फीफा वर्ल्ड कप 2014 में ये हुआ था ब्राज़ील में, 2014 में ब्राज़ील में हुआ, और 2022 में ये कतर में होगा। और अब ये भी देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होगा, इसमें तीन देश में होगा, पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा। पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, USA, मेक्सिको, कनाडा। ये पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो IMF की पहले फुल फॉर्म देखते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म, और वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, और 190 सदस्य देश है, और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है, कभी पूछता है कि इसके CEO कौन है, और इसको मतलब कि जब नीति आयोग की स्थापना हुई तो उसमें PM कौन थे, तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको इसको पता होनी चाहिए अच्छी तरह। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। और
नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर तक मनाते हैं, और इस साल त्रिपुरा ने भी मनाया हॉर्नबिल फेस्टिवल। नागालैंड का काफी प्रसिद्ध त्यौहार है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा को क्या कहा जाता है? तो पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट भी हो रहे हैं, क्योंकि बार बार पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।